हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लैम्प के ऊपर किस तरह से पेंटिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक लैम्प है जो कि प्लेन है। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना कुछ पेंटिंग बनाई जाए। और आप अब देख पा रहे होंगे कि पहले वाले लैम्प और इस लैम्प में कितना डिफरेंस आ गया है। तो मैंने इसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग बनाई है। तो ये मधुबनी पेंटिंग, राइट फ्रॉम ड्राॅइंग टू पेंटिंग, मैं आपको थोरोली बताऊँगी इस ट्यूटोरियल में कि किस तरह से आप लैम्प पर एक परफेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। और जब ड्राइंग परफेक्ट होगी तो आपकी पेंटिंग डेफिनेटली परफेक्ट होगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में। तो ये लैम्प है और इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मैं पेंटिंग करूँगी। तो ये मैंने एक प्लेन लैम्प लिया है और छोटा सा लैम्प है। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी ये जो बल्ब है, इसे निकाल देंगे हम। और अब मुझे इस सरफेस पे पेंटिंग करनी है और इस पर मैं मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इसके ऊपर ड्राइंग करने की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड ड्रॉ करके रखा है और ये एक पोर्शन आपके लिए खाली रखा है कि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ड्राइंग करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे, इसे अच्छे से शार्पन कर लेंगे। और अभी मैंने जो यहाँ बनाया है, ये ऑलरेडी बॉर्डर में बना चुकी हूँ। इसे किस तरह से बनाया है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये एक स्केल है और यहाँ आप टॉप से 1 सेंटीमीटर के गैप पर ये लाइन आपको खींचनी है। तो आप ऐसा करें कि 1 सेंटीमीटर पे आप एक मार्क लगा लें, फिर थोड़ी दूर में 1 सेंटीमीटर पे आप एक मार्क लगा लें, फिर एक थोड़ी दूर में 1 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा लें। इसी तरह से चारों तरफ ये मार्क लगाने के बाद आप इस मार्क्स को जोड़ दीजिए। तो ये लाइन आपका हर जगह जो ये गैप है वो 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा। और ठीक उसी तरह से उसके नीचे भी मैंने ये किया है। तो अभी यहाँ से लास्ट लाइन से फिर 1 सेंटीमीटर, मीन्स ये टोटल 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर से जैसे मैंने हाफ से डिवाइड किया हुआ है। तो फिर यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएं, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे ऐसे करते करते चारों तरफ मार्क लगा के आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम वे नीचे भी मैंने ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरे पर दूसरे, इस तरह से नीचे और ऊपर में 2 सेंटीमीटर्स का बॉर्डर बन गया है हमारा। अभी ये बीच का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, पेपर पे ड्रॉ करना और लैम्प पे ड्रॉ करना थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि पेपर एक प्लेन सरफेस है, उस पर ड्रॉ करना थोड़ा इजी है। और लैम्प में आपको कोई एक सरफेस प्लेन तो है, लेकिन ये अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसे ड्रॉ करने में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। और क्योंकि ये एक शो पीस के जैसे आप रखेंगे, इसमें लाइट्स होगी तो इसकी पेंटिंग आपको अच्छे से दिखेगी। तो पेंटिंग की ड्राइंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइंग नहीं अच्छे से आई तो पेंटिंग, हमारी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब मैंने कैसे ड्रॉ किया। तो अभी आपको क्या करना है, ये मेजरिंग टेप लेना, क्योंकि अब स्केल से बात नहीं बनने वाली है। तो मेजरिंग स्केल लेना है और आपको सेंटर में आप इसे रख के चारों तरफ से आप देख लेके इसका जो क्या डायमीटर है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स 18 इंच का है। तो 18 इंच को मैंने क्या किया, 3 इंचेस में डिवाइड किया है। तो यहाँ से 3 इंच पर मैंने एक मार्क लगाया, फिर 3 इंच पर एक मार्क लगाया 6 पे, फिर 3 इंच आगे गया 9 पे, इस तरह से करते करते 18 तक आप आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। और अब आपको ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने ड्राइंग की है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 इंच का है। तो इसके बीच का जो होता है, मीन्स 1.5 इंच पर आप ऊपर और नीचे मार्क करेंगे। तो इससे आपको जो ये जो डायमंड का जो शेप है, ये चारों तरफ इक्वल आएगा। अब आप इसको ऐसे जोड़ लेंगे। वो मैं आपको इस साइड करके दिखा रही हूँ, इसके लिए ही मैंने आपके लिए ये पोर्शन छोड़ के रखा था। तो अभी आप
देखें कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ मैंने एक मार्क लगाया, फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर मीन्स 6 पर यहाँ एक मार्क लगाया, फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर मीन्स 9 पर ये आके एंड हुआ, मीन्स यहाँ मैंने मार्क, तो इस तरह से 3-3 सेंटीमीटर का गैप है। अब ये जो 3 सेंटीमीटर है इसका हाफ ले लेंगे, मीन्स 1.5 के ऊपर एक मार्क लगाया, नीचे एक मार्क लगाया। सेम वे 3-6 वाले में भी, 3-6 वाले में भी 1.5 इंच में मीन्स सेंटर, आपको सेंटर पॉइंट जानने के लिए ये हमें मेजरमेंट कर रहे हो, बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर परफेक्ट और प्रॉपर प्रोपोर्शन में एक पेंटिंग चाहिए तो आप अगर मेजरिंग स्केल के साथ बनाते हैं तो वो आपका आउटकम बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ भी मैं 1.5 इंचेस पर मार्क लगा दी हूँ। अब यहाँ से आपको यहाँ तक लाइन से जोड़ना है, और ये देखिए यहाँ तक आ गई मैं, ये जो हाफ का मार्क, अब यहाँ ऊपर। तो मार्क लगा लेने से फ्रेंड आपको बनाने में भी इजी होता है और आपको पता रहता है कि कहाँ पर आपको, कहाँ तक आपको लाइन खींचनी है, हो गया। और अभी सेम वे ऊपर से भी यही करेंगे, अभी ये हो गया। अब इसको डबल लाइनिंग करेंगे, मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं हम, तो मधुबनी पेंटिंग का तो ये एक थंब रूल ही है कि हर चीज़ में डबल लाइनिंग हम करते हैं। तो इस तरह से डबल लाइनिंग हमारी हो गई है फ्रेंड्स। तो अब ये हमारा जो बेसिक फ्रेम था वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स बॉर्डर में मैंने जो डिज़ाइनिंग किया है वो अपर बॉर्डर में जो किया है सेम लोअर बॉर्डर में भी किया है मैंने। तो लोअर बॉर्डर में मैंने जो डिज़ाइनिंग किया वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3-3 लाइन छोड़ना है, 3-3 लाइन खींचना है थोड़े थोड़े गैप के बाद। ये हो गया। सेकेंड बॉर्डर में मैंने ज़िगज़ैग लाइनिंग की है, डिज़ाइनिंग आप अपने तरीके से अपने चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं बस आपको एक सैम्पल दिखा रही हूँ, इस तरह से आप एक प्लेन सी लैम्प को पेंट करके एक अपने घर का कॉर्नर को डेकोरेटिव और वाइब्रेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों बॉर्डर। अब मैं इसके अंदर की डिज़ाइनिंग करूँगी, तो सबसे पहले नीचे की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसके बीच में मैंने लोटस बनाया है, तो यहाँ पर हम एक लोटस बनाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा लोअर जो पोर्शन है उसमें हम लोटस बना लेंगे। लोटस बना लिया। अभी जो हमारा ऊपर वाला है इसमें मैंने बनाया है एक पिकॉक, फिर एक फिश, फिर एक पिकॉक, फिर यहाँ एक फिश बनाऊंगी। तो जैसे यहाँ पिकॉक है तो ये दूसरे वाले में अल्टरनेट बना रही हूँ मैं, तो यहाँ एक फिश बना देंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ड्राइंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस काम को कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक प्लेन पेपर तो है नहीं कि आप उस पर ड्रॉ करके पेंट कर लें। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इस लैम्प का जो आउटर पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस शेप का ही आपको एक पेपर लेना है। इस शेप से मेजरमेंट करके आप एक पेपर को कट कीजिए, उस पर डिज़ाइनिंग कीजिए, फिर उस पेपर को इस पर स्टिक करके आप अंदर कार्बन डाल के इसको ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आप फ्री हैंड से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मधुबनी पेंटिंग है तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि हर सेक्शन में आपको परफेक्ट ही होना है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे ऊँच नीच होती भी है तो कोई भी बात नहीं है, वो आप वो इसकी ब्यूटी ही है, आप कह सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का एक कि एक ख़ास बात है, इसकी स्पेशलिटी ही है कि इसको परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल रहता है। इसीलिए आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, ये डिज़ाइन ना ले अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो सिंपल से डिज़ाइन लेके भी कर सकते हैं। अभी मैं एक पीकॉक बनाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम नहीं कर रही हूँ। डिटेलिंग का काम हमें जब कलर करना है उस समय करना है। अभी ड्राइंग के लिए आप एक बेस रेडी कर लीजिए, उसके बाद इसके अंदर जितनी चाहिए उतनी डिज़ाइनिंग हम कलर से कर सकते हैं। जो गैप्स है, खाली जगह है, उनको भरने के लिए आप लीव्स पत्ते बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इधर की डिज़ाइनिंग तो हो गई है। अब हमारा ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है सिर्फ वो बचा है, तो उसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ की डिज़ाइनिंग के लिए हमारी ड्राइंग बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि पूरे लैम्प को मैंने डिज़ाइन से भर दिया है। अब इसमें हम कलरिंग शुरू करेंगे। तो कलरिंग करने के लिए फ्रेंड्स हम जिस कलर का यूज़ करेंगे, तो पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो आप या तो इस तरह के ट्यूब्स आते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे, या फैब्रिक कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो लगा हुआ है ये भी फैब्रिक ही है, तो इस पर आप इजीली फैब्रिक कलर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो कैमल का फैब्रिक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आई एम श्योर सबसे इजीली मिलने वाली चीज़ें कैमल का फैब्रिक का, ये जो छोटी वाली होती है किसी भी स्टेशनरी में मिल जाती है। इसके यूज़ से भी आप इस ये और ये दोनों सेम ही है, इसके यूज़ से भी आप इसे पेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी मीडियम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए मीडियम हम वाटर ही यूज़ करेंगे। तो अब हम पेंटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लैक कलर ले लीजिए और फाइन ब्रश से जितनी भी पेंटिंग हमने बनाई है, ड्राइंग बनाई है, उन सबको ब्लैक से आउटलाइन करना है हमें। इसके बाद हम कलरिंग का काम करेंगे। ये लाइनिंग करने के लिए आपको मैं बता दूँ एक चीज़ कि मुझे एक तो टेबल पे बैठ के करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। आप जितना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग होगी। तो मैंने इसे लैप पे रख के करना प्रेफर किया। आप भी इसी तरह से जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ये कर रहे हो तो पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं कीजिए। देखिए मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी ले ली तो ये स्प्रेड हो गया, तो इसलिए पानी बहुत ही कम आपको यूज़ करना है। बस उतना ही यूज़ करना है जितने से कि आपकी पेंटिंग अच्छे से इजीली स्प्रेड हो जाए।
तो इस तरह से हमने पूरे लैम्प पे पेंटिंग कर डाली है और आप देख सकते हैं ये अब कितना वाइब्रेंट और कितना प्रीटी लग रहा है। तो इस तरह से आप कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे आज हमने मधुबनी पेंटिंग किया, आप किसी भी तरह का पेंटिंग अपने लैम्प पे करके उसे और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरे चैनल के आर्ट कंटेंट पसंद आते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।